वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में चयनित चार विषयों के करीब 7000 अभ्यर्थियों को अभी भी नियुक्ति का इंतजार है। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। चयनितों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के आगे झाड़ू लगाकर सफाई करते हुए प्रदर्शन किया और जल्द नियुक्ति की मांग की। शिक्षक भर्ती 2016 के चयनित पीड़ित बेरोजगार हैं। इसमें क्या हुआ कि सर, जो 8 सब्जेक्ट थे उनमें से 4 को नियुक्ति दी जा चुकी है और 4 की नियुक्ति सरकार का जो रवैया है ना, वो नरम होने की वजह से कोर्ट में पड़ी है। सरकार अपना वकील भी नहीं भेज रही है, हमारी वहाँ पे कोई पैरवी नहीं कर रहा है। और हम जब RPSC के ऊपर धरना देने गए तो हमें वहाँ से ये कह के खदेड़ दिया गया कि आप निदेशालय जाओ। जब हमने कल निदेशक महोदय से बात की तो निदेशक महोदय ने कहा कि आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, अब हम जाएगा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से विरोध करके भी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मक तरीके से धरना देना है और हम तब तक धरना देंगे जब तक हमारे नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाएंगे।